तो आज हम करेंगे एसी की सफाई। बारह बज गया है और 11 बजे अभी एसी की सफाई होगी। अब मैं सोच रही हूँ कि घर का काम कब करूंगी। गाइस ये काम हो जाने के बाद ना फिर मैं ये वाला जो सीढ़ी है ना ये भंगार में बेचने वाली हूँ सीरियसली, क्योंकि ये सीढ़ी हमारा भी नहीं है। क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता ठीक है कि ये सीढ़ी टूट जाए या फिर कुछ हो जाए। देखो निकल कहाँ से, देखो पूरे घर में ऐसे तो देखो गाइस कितना गंदा इसमें जम गया था। खाली इतने में से हवा आ रहा था और देखो और आवाज भी इतना आ रहा था ना और गर्म भी लग रहा था। मैं देखो कैसे साफ होगा ये धोना पड़ेगा मुझे। भयंकर बहुत ज्यादा ब्रश से साफ करना। वैसे तो उल्टा मैं ना थोड़ा इसमें पोंछ दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना गंदा हो गया था, तो फिर मैंने वाइप्स से जो है ना पोंछ दिया है और ये एकदम वाइट जैसा हो गया है। वाइप्स में ना अल्कोहल नहीं है तो इस वजह से उतना साफ नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने अपने पति को दिया है एक ये फैब्रिक जो कि पोंछने के लिए, और ये देखो पूरा बहुत अच्छे से साफ हो गया है, एकदम लग रहा है ना चकाचक। तो बहुत गंदा हो गया था हमारा ये फिल्टर, तो अभी जो ये है ना ये फिल्टर लगाने वाले हैं। तो मेरा घर कैसे साफ रहता है देखो। जम के बारिश हो रही थी बाहर और मैं आ गई थी थोड़ा घूमने, और यहाँ पे ना बहुत अच्छा मौसम हो रखा है तो मैं अकेले थोड़ा बहुत घूमने आ गई और बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली। हाँ थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा था ये कि मेरा चुन्नी भीग जा रहा था, पैंट सलवार सब भीग रहा था, लेकिन कोई ना ये जो है ना ये जो मैं निकली हूँ ना ये मतलब काफ़ी सालों के बाद मैं ऐसे घर से निकली हूँ अकेले और बारिश में। ऐसा कभी इन्जॉय नहीं किया है मैंने अपने लाइफ को, आज मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसा इन्जॉय किया और इतना अच्छा लग रहा था ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे आई हूँ ना गुस्सा करके आई हूँ, अगर मैं गुस्सा करके नहीं आती ना तो फिर ये सब नज़ारा हम कभी मतलब कर नहीं पाते, इतना इन्जॉय अकेले में इन्जॉय नहीं कर पाते। तो फिर मैंने ना अपने आप को थोड़ा समझाया और मैंने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं और अकेले में खुद के साथ इन्जॉय करते हैं। देखो सामने से मेरे पति आ गए हैं मुझे ढूंढते ढूंढते, तो ये मतलब थोड़ा सा जब झगड़ा करते हैं तब मतलब इनको समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, और फिर जब मैं गुस्सा करके चली आती हूँ तो फिर इनको लग जाता है। इसको झगड़ा करने के टाइम उस टाइम कुछ वो नहीं होता है। आने दो लोगों। आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट में, और ये झगड़ा वाला ब्लॉग कैसा लगा ये भी पर्सनली आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।